मित्रों, इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आपके सामने वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की अवधारणा है इस विषय को लेकर आया हूं। हम लोगों ने अपने पिछले व्याख्यान में आत्मा के विषय में जाना था और मन की एक संक्षिप्त चर्चा आपके सामने प्रकट की थी। हम आज पुनः इस श्रृंखला में मन की चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे कि वैशेषिक दर्शन के ने मन की क्या अवधारणा प्रस्तुत की है। मित्रों, मन का जब सामान्य अगर हम निरुक्ति लें, निर्वचन करें, तो मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, इस प्रकार हम इनकी व्युत्पत्ति करते हैं। अर्थात मन से ही जाना जाता है। मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, अर्थात मन से जाना जाता है। यह स्पष्ट मन शब्द, और इसी से आपने मनन शब्द सुना है, मनन है। इसी मनन का अनुवाद हम चिंतन के रूप में करते हैं। अर्थात किसी भी ज्ञान, जो निष्कर्षात्मक ज्ञान होता है, वो मन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और चूंकि हमने मन के लिए माध्यम शब्द प्रयोग किया, इसीलिए आप लक्षण में आपने जो मैंने पिछली चर्चा की थी, वहां पर एक साधन शब्द आया था जो अभी भी आपके सामने हम प्रोड्यूस करेंगे। यह साधन यहां पर माध्यम है। अर्थात मन के माध्यम से ही कोई हमें अनुभूति होती है, किसी ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह मन इंद्रिय है और हम आप सभी जानते हैं कि यह बाह्य ज्ञान का साधन है, और अंतरिंद्रिय जो ज्ञान है उसका भी यह मन कारण होता है। हमने उसमें एक और चर्चा की थी आपके सामने, कदाचित वही कणाद जो हैं वैशेषिकाचार्य कणाद, जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं, उन्होंने इस प्रकार लक्षण दिया है कि जो आत्मा, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है या जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसी का कारण क्या है? मन है। इसी पर चरक संहिता, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यद्यपि चरक संहिता को हम आप चिकित्सा ग्रंथ के रूप में जानते हैं, लेकिन चरक संहिता में दर्शन परक भी ढेर सारी बातें हमें प्राप्त होती है। वहां पर भी वो कहते हैं कि आत्मा, इंद्रिय और मन, आत्मा, इंद्रिय और विषय उपस्थित हो और मन ना हो तो हमें ज्ञान का अभाव होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और आत्मा, इंद्रिय और विषय उपस्थित हो और मन भी उपस्थित हो तो हमें वहां पर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सारी सामग्री हो लेकिन मन नहीं हो तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कदाचित वैशेषिक आचार्यों ने, अथच तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट ने सुखाद्युपलब्धि साधन इंद्रियम मनः कहा, सुख दुख आदि। अब ये जो सुख दुख आदि क्या है? सुख दुख आदि समवाय संबंध से मन में रहता है, तो सुखाद्युपलब्धि साधन इंद्रियम मनः इसीलिए कहा है। अब ये मन क्या है? कहते हैं तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में नियत रूप से होने के कारण अनंत है। अब रिलेट करें, जब हम लोगों ने जीवात्मा का लक्षण पढ़ा था तो वहां पर अनंत या असंख्य आदि शब्द प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वहां पर भी क्या कहा था? प्रतिशरीरम भिन्नः, यह शब्द आया था, और प्रतिशरीर भिन्न होने के कारण हमने उसे असंख्य और अनंत माना था। यहां पर भी उसी प्रकार की बातें की जा रही है कि प्रत्यात्मनियतत्वात्, अर्थात प्रत्येक आत्मा में नियत रूप से विद्यमान होने के कारण यह क्या है? अनंत है और परमाणु रूप है। परमाणु रूप है, इसके भी हम लोग अनुपरिमाण है, इसका अनुरूप है और नित्य है। तो ये जो चीजें हैं, हम वहां पर हमने ये मन का एक सामान्य लक्षण प्राप्त किया। इसी को न्याय सूत्रकार इस मन का लक्षण इस प्रकार से देते हैं कि युगपज ज्ञानानुपत्ति ही मनसो लक्षणम, यानी युगपज ज्ञान, जो युगपद यानी एक साथ होने वाला जो ज्ञान है, एक साथ दो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती, एक साथ एक ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। मित्रों, हम आप व्यावहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि मनु एक सामान्य उदाहरण है कि हम हंसते हुए रो नहीं सकते या रोते हुए हंस नहीं सकते, अर्थात हम एक साथ दो कार्य नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम एक साथ दो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि छात्र किसी कक्षा में उपस्थित है और शिक्षक पढ़ा रहा है, और अगर वो दत्तचित्त होकर के मन से अगर
शिक्षक की बातों को सुन रहा होता है तो शिक्षक की पढ़ाई गई सारी बातों का उसे ज्ञान होता है, लेकिन उसी क्षण यदि कोई व्यक्ति उसे किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है और मन से संबंध टूटता है तो शिक्षक की बातों का ज्ञान ना होकर के उस क्षण उनको दूसरे जो व्यवधान उत्पन्न किया जो जिन बातों से किया गया है उसका बोध होने लगता है। इसीलिए नैयायिक देखेंगे कितना तार्किक चिंतन है कि युगपज ना केवल तार्किक कहेंगे बल्कि ये व्यावहारिक लक्षण भी है कि युगपद ज्ञान एक साथ दो ज्ञान का अनुत्पत्ति ही ज्ञान का अभाव होना ज्ञान की प्राप्ति न होना मनसह लक्षणम ये मन का लक्षण है। तो इस प्रकार से हम मन के उस आवश्यकता को भी समझ रहे हैं मन के स्वरूप को भी समझ रहे हैं। मित्रों कई वर्ष पूर्व एक मेरे मन में भी ये चिंता आई थी कि यदि मन है तो उस मन की अवस्थिति कहाँ है, वो मन है कहाँ, मन किस जगह उपस्थित होता है और इसकी मन तो इस विषय में भी यद्यपि कालांतर में बाद में हमारे बृहदारण्योपनिषद आदि ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से सुषुम्ना नारी से जो 72,000 नारियां हैं वो सारी की सारी नारी का द्वार सुषुम्ना नारी जिसे पूरी तत् कहते वहां आकर के खुलता है आदि ये बातें होंगी जो इस दर्शन का विषय नहीं है एक सामान्य ज्ञान का विषय है। तो मन के विषय में वहां पर यह चर्चा आती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामान्य दृष्टि से आज हम लोग मानते हैं कि मन जो है हमारे मस्तिष्क में होता है। अस्तु अब इस मन का सार देखिए निचोड़ क्या निकला कि प्रत्येक आत्मा के साथ मन नियत होता है। नियत यानी निश्चित रूप से आवश्यक रूप से मन आत्मा के साथ संयुक्त होगा। अगर मन आत्मा के साथ संयुक्त नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। चूंकि ज्ञान का आश्रय जो है वह आत्मा है और हमें जो ज्ञान का बोध होगा वह मन के माध्यम से होगा, इसीलिए यहां पर नियत कहा गया है, अनिवार्य कहा गया है, आवश्यक रूप से निश्चित रूप से मन का जो आत्मा के साथ है वो सन्निकर्ष होगा, आत्मा के साथ उसकी विद्यमानता होगी। स्पष्ट है आत्मा अनंत है, इसकी व्याख्या दी हमने, क्योंकि वहां पर भी कहा प्रत्यात्म, जैसे ही प्रत्यात्म कहा गया। अब प्रत्यात्म क्या हुआ, कौन सी यहां पर आत्मा कौन सी, जब आत्मा शब्द है प्रत्यात्म शब्द है तो मूल हमने आत्मा शब्द निकाला, लेकिन जैसे ही आत्मा कहेंगे हमारे छात्र के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि यह आत्मा परमात्मा है या यह आत्मा जीवात्मा है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब प्रत्यात्म कहा जाता है तो यहां आत्म पद से जीवात्मा की ओर संकेत है, क्योंकि जीवात्मा ही क्या है, प्रत्येक शरीर में होता है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रति शरीर भिन्न होता है और अगर प्रति शरीर भिन्न नहीं होता तो जीवात्मा अनंत नहीं होता। चूंकि जीवात्मा अनंत है और उन सारी जीवात्माओं के साथ मन का नियत रूप से संयोग है इसलिए यह मन भी अनंत है। तो मैं समझता हूं कि यह जो अनंतात्मकता जो है मन की यह इससे स्पष्ट हो रहा है हमें आवश्यक रूप से जीवात्मा को जानना होगा। अगर जीवात्मा नहीं जानेंगे तो हम मन की अनंतता की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। और मैं पुनः इसको आपके सामने दे रहा हूं कि जीवात्मा के लक्षण में प्रतिशरीर भिन्न कहा गया जिसके कारण हम लोगों ने जीवात्मा को अनंत माना, फिर मन के लक्षण में दिया गया प्रत्यात्म नियतत्वात्, तो प्रत्येक आत्मा में आत्मा शब्द को लेकर के संदेह उत्पन्न होता है कि यह परमात्मा है या जीवात्मा है, तो फिर उस संदेह का समाधान हमने यह कहकर दिया कि यहां जीवात्मा है यानी प्रति जीवात्म नियतत्वात्, हमें यह इस प्रकार से लक्षण लेना चाहिए कि प्रत्येक जीवात्मा के साथ नियत होने के कारण ही यह मन जो है अनंत है और सुख दुख आदि की प्राप्ति का साधन है। ध्यान रखेंगे जीवात्मा वहां क्या है, सुखाद्याश्रय, सुख आदि का आश्रय है, अधिकरण है, जहां पर सुख आदि आवश्यक रूप से विद्यमान है, लेकिन वो क्या है, उनकी प्राप्ति का साधन। अर्थात आत्मा में सुख दुख है लेकिन हम जो हमारा ये शरीर जो सुख दुख का अनुभव करता है, उनकी जो अनुभूति होती है, वह जो आत्मा में विद्यमान समवाय संबंध से विद्यमान जो सुख दुख है वो मन के माध्यम से हमारे इंद्रियों तक आता है और इंद्रियां ही जो है सुख दुख का अनुभव करती है, इसलिए हमारे शरीर को सुख दुख की प्राप्ति होती है। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आत्मा में नित्य रूप से विद्यमान रहने वाला जो सुख दुख आदि जो है उनको मन उसको वहां से कैरी फॉरवर्ड करता है और इंद्रिय तक वो देता है और वही हमारी इंद्रिय संवेदना है। और हम आप सभी जानते हैं कि इंद्रियां ही जो है वो सुख दुख हमें देती है।
इंद्रियों के कारण ही हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं। अस्तु, अब इसके बाद हम कुछ और लें कि इसके ऊपर में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी है। मेरु शास्त्री एक वाक्यवृत्तिकार है, वाक्यवृत्ति है तर्क संग्रह के ऊपर में, उसके जो व्याख्याकार है वाक्यवृत्तिकार है वो मेरु शास्त्री जी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है इसके विषय में कि जब हम सुखादि अर्थ कहते हैं तो सुखादि का अर्थ आत्मा में समवाय में समवाय संबंध से रहने वाले जो समस्त गुण हैं उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। अर्थात आत्मा में जो जो गुण विद्यमान है समवाय संबंध से उन सारे गुणों का बोध सुख दुख आदि से होगा। जो आदि शब्द है वो आदि शब्द उनको हम लेते हैं। दूसरा, फिर इन्होंने एक नियत शब्द के ऊपर भी टिप्पणी की है, कह रहे मन उन पदार्थों का जिनका आत्मा से समवाय संबंध है तथा उन पदार्थों का जिनका आत्मा से समवाय संबंध नहीं है समान रूप से बोध कराता है। संभवतः यही नियत शब्द का अर्थ है। पंक्ति है, अत्र समवेत कारणत्वे सति असमवेत भोग कारणत्वम नियतत्व शब्दार्थ है। ये उनकी टिप्पणी है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, मैंने इनसे पहले भी अपने ढंग से भी नियत शब्द का बोध कराया कि अगर हमें सुख दुख की अनुभूति होगी, अनुभूति हमें हो रही है, सुख दुख किसी और जगह विद्यमान है, तो हम तक उस सुख दुख की पहुंच कैसे होगी? तो उनके लिए बीच में कोई साधन चाहिए और वही साधन जो है वो मन है। इसीलिए सुख दुख आदि की अनुभूति के लिए अनिवार्य रूप से नियत रूप से प्रतिजीवात्मा के साथ मन का सानिध्य होता है, मन का साहचर्य होता है। मित्रों, तो इस प्रकार ये हम लोगों ने द्रव्य मीमांसा को समझा। इस द्रव्य मीमांसा के क्रम में हमने 9 के 9 द्रव्य में जो लक्षण में आने वाले शब्द, उनका व्यावहारिक स्वरूप, उनके ऊपर जो वैशेषिकाचार्यों या अन्य दर्शन के साथ जो कोई सामंजस्य है, उनके आधार पर हमने इन 9 द्रव्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया। हम आप सभी जानते हैं कि 7 पदार्थ हैं, तो तदनुसार हमने द्रव्य नामक पदार्थ को आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम गुण नामक पदार्थ को आपके सामने उपस्थित करते हैं। गुण की चर्चा जैसे मैंने शुरू में की थी, इसलिए रिकॉल करना आवश्यक है कि उस गुण में हमने एक आवश्यक रूप से कहा था कि द्रव्य में ही गुण आश्रित होता है, द्रव्याश्रित गुण है, गुण की कोई भिन्न सत्ता नहीं है, अन्यत्र सत्ता नहीं है। इसलिए यहां पर हम क्या है कि उस गुण को जानेंगे और वो सारे के सारे गुण वैशेषिक दर्शन में चतुर्विंशति गुणाह की अवधारणा है। तो आज मैं आपके सामने सारे गुणों का एक क्लासिफिकेशन देता हूं, उसके बाद एक एक गुण, यद्यपि ये सारे के सारे गुणों की संक्षिप्त अवधारणा प्रस्तुत होती है, बहुत ही विशद अवधारणा नहीं है, समझना सरल होता है, इसलिए अपने कतिपय लेक्चर में एक साथ 3-3, 4-4 गुण को भी हम निकालेंगे। तो यहां पर पहले चारों के चारों गुणों को देखें, 24 के 24 गुणों को देखें, और वे 24 गुण हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ये 24 गुण हैं। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, ये सारे नाम हमें स्मरण में, हमारी स्मृति में होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ये हमें ज्ञान ना हो। इसलिए यदि दर्शन में रुचि है तो इन 24 के 24 गुणों का क्रमबद्ध आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कदाचित मैं ऐसा मानता हूं कि जो वैशेषिकाचार्यों ने जिस क्रम से इन 24 गुणों की उपस्थापना हमारे सामने की है प्रकट, उनमें भी कहीं ना कहीं एक लॉजिक है, एक तर्क है। अब जैसे एक सामान्य देख लेते हैं, यहां पर हमारे सामने संयोग और विभाग है, तो संयोग का भिन्न विभाग है, इसीलिए संयोग के बाद विभाग शब्द आया है। हम इसकी चर्चा करेंगे कंटिन्यू, लेकिन 24 गुणों के क्लासिफिकेशन को जानते हैं। मैंने यह भी सूचना आप लोगों के सामने दे रखी है कि शुरू में, प्रारंभ में, जो कणाद ने जब वैशेषिक दर्शन की अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत की तो उन्होंने 17 गुणों का उल्लेख किया। तदनंतर जो कणाद के तथाकथित जो वैशेषिक सूत्र है उनके ऊपर भाष्यकार प्रशस्त पाद ने भाष्य लिखा और उन्होंने 7 अन्य भिन्न पदार्थों को भी उसमें जोड़ करके 24
24 गुणों की अवधारणा हमारे सामने प्रकट की, 7 पदार्थ नहीं 7 गुण अर्थात 17 और 7 24 हुए। तो यूं कहें कि वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों की अवधारणा किसने प्रकट की, तो उसका उत्तर होगा प्रशस्तपाद, उसका उत्तर ना तो कणाद होगा ना ही अन्नम भट्ट होगा। तो मैं थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से भी देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं ABCD, तो उसके लिए भी अवेयर कर रहा हूं। बाद में सिद्धांत चंद्रोदयकार ने आलस्य नामक एक और गुण को माना, जिसे कालांतर में अन्य वैशेषिक आचार्यों ने, यहां तक कि अन्नम भट्ट ने ही आलस्य को प्रयत्न नामक गुण में जो है उसे इंक्लूड किया, यानी आलस्य जो है प्रयत्न का ही एक स्वरूप है। इसी प्रकार दीपिकाकार ने संभावना प्रकट की, लघुत्व मृदुत्व कठिनत्व ये सारे भी गुण हैं, और पुनः वो खंडन करते हैं कि नहीं ये गुण नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों के तीनों गुण जो है संयोग नामक गुण के अधीन है। फिर जो समसकार नामक गुण है वो 3 प्रकार के हैं। अभी ध्यान हो कि जब हमने गुणों की चर्चा की थी, जीवात्मा के गुणों की चर्चा की थी, तो उसमें हमने समसकार के साथ भावना नामक संस्कार कहा था। यहां पर भी देखिए ये संस्कार 3 प्रकार के हैं, यानी ये संस्कार नामक जो गुण है वो 3 प्रकार के गुण हैं, वेग भावना और स्थिति स्थापक, और द्रवत्व जो है वो भी 2 प्रकार के हैं, सांसिद्धिक और नैमित्तिक। मित्रों, इसके बाद आपके सामने एक अच्छा खासा हमने टेबल लाया है कि किस द्रव्य में कितने और कौन कौन से गुण हैं। तदनुसार आपके सामने उपस्थित है कि पृथ्वी में 14 गुण हैं, जल में 14 गुण हैं, तेज में 11 गुण हैं, वायु में 9 गुण हैं, आकाश में 6 गुण हैं, काल में 5 गुण हैं, दिक् में 5 गुण हैं, आत्मा में 14 गुण हैं और मन में 8 गुण हैं। ये तो संख्या के रूप से हमने आपके सामने वर्गीकरण दिया, लेकिन किस द्रव्य में कौन कौन से गुण हैं इनकी भी सूची दे रखी है कि वायु में स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व तथा समसकार नामक ये 9 गुण हैं। ध्यान रखेंगे संस्कार के साथ अगर आपके सामने स्लाइड है तो उसमें ब्रैकेट में वेग है। अभी हमने देखा वेग भावना और स्थिति स्थापक है, 3 प्रकार के भेद हैं। तो जो प्रथम प्रकार वाला भेद वेग है वह वायु में होता है। तेज में आप देखेंगे कि 11 गुण हैं, वायु के प्रथम 8 गुण, रूप उसके बाद द्रवत्व, वेग, वेग में भी क्या है स्पर्श एवं रूप, तो इस प्रकार से यह 11 जो है यह तेज के गुण हैं। जल के भी तेज, जल के भी आप गुण हैं, जल में 14 गुण हैं, तेज के 11 गुण, द्रवत्व जो 2 प्रकार का है नैमित्तिक और सांसिद्धिक, उसमें सांसिद्धिक नामक द्रवत्व, गुरुत्व, रस एवं स्नेह जो है इस प्रकार से यह 14 गुण है। पृथ्वी है जल के प्रथम 13 गुण और गंध है। तो इस प्रकार से ये हमने 4 जो अनित्य द्रव्य हैं, जो 4 भूत द्रव्य हैं उनकी चर्चा देखी, जिसमें 14, 14, 11 और 9 गुण हैं। इसी प्रकार अब आकाश में तदनुसार इसके बाद आत्मा में देखिए कौन कौन से गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, धर्म, अधर्म, संसकार। दिक् एवं काल में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग एवं विभाग। आकाश के जो 6 गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग एवं शब्द, और तदनुसार मन जो अभी हम लोगों ने चर्चा की है उसके जो गुण हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व एवं वेग, यानी ये 8 गुण मन के हैं। इसी के आधार पर इस ये जो सारे गुण हैं इन गुणों का वर्गीकरण कई प्रकार से करते हैं, यानी हम आप जब शोध में जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, तो गुण के विभिन्न रूप स्वरूप के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। आपकी सुविधा के लिए जितने भी संभावित ये वर्गीकरण हो सकता है वह हमने आपके सामने यहां उपस्थित किया है, और तदनुसार 3 प्रकार के एक भिन्न चिंतन आए कि कुछ मूर्त गुण होते हैं, कुछ अमूर्त गुण होते हैं, और कुछ मूर्तामूर्त यानी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जो मूर्त हैं वह रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, परत्व है, अपरत्व है, गुरुत्व है, द्रवत्व है, स्नेह, वेग और स्थिति स्थापक। अमूर्त के रूप में जिनकी चर्चा आई वो बुद्धि है, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और शब्द है, और मूर्तामूर्त है यानी जो मूर्त भी है और अमूर्त भी है वह है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। इसी के साथ एक अन्य प्रकार का भी है,
विशेष गुण और सामान्य गुण। जैसे विशेष गुण अर्थात पृथ्वी जैसे रूप है, तो रूप जो है गुण वो पृथ्वी से भिन्न कहीं और नहीं होगा। रस नामक गुण जो है वो जल से भिन्न कहीं नहीं होगा, क्षमा करेंगे, जो रूप जो है तेज के अतिरिक्त कहीं अन्य नहीं होगा। रस जो है वो अन्य जगह पर नहीं होगा जल के अतिरिक्त। इसी प्रकार जो गंध है वो पृथ्वी के अतिरिक्त नहीं होगा। तो तदनुसार हम ये विशेष गुण और सामान्य गुण पुनः जिनके जिनका क्लासिफिकेशन जिसका वर्गीकरण प्रशस्त पादाचार्य ने किया है वह आपके सामने है। और ये जो विशेष गुण है वो किसी सारे के सारे द्रव्यों के विशेष गुण हैं, यानी अर्थात उनसे भिन्न किसी अन्यत्र वह नहीं पाया जाएगा। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, स्नेह है, द्रवत्व है, बुद्धि है, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, शब्द और भावना, संस्कार नामक भावना। सामान्य गुण जो हैं वह संख्या है, परिमाण है, पृथक्त्व है, संयोग है, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार। अब रही बात जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले, यानी हम कई ऐसे गुण हैं जो ठीक है हम आप पंचेंद्रिय और मन से युक्त हैं, इसलिए हमारे हमें सारी चीजों की अनुभूति होती है। लेकिन कई ऐसे भी तत्व हैं, कई ऐसे भी प्राणी हैं जिनके लिए भी गुणों का विश्लेषण, गुणों का विभाजन आवश्यक है। तो कहते हैं द्विंद्रिय, यानी दो इंद्रिय मात्र से जो ग्रहण किए जाने वाले गुण हैं वह है संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह तथा वेग। इसी प्रकार बाह्येंद्रिय से जो ग्राह्य है, यानी बाह्येंद्रिय से तात्पर्य है जो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ग्राह्य है वह है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय से परे हैं, वो गुरुत्व है, धर्म है, अधर्म है और भावना है। और अंतरिंद्रिय गुण, शायद इसी अंतरिंद्रिय हमने मन को कहा था, तो अंतरिंद्रिय गुण भी जो है, जो बुद्धि है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है और प्रयत्न है। तो मित्रों यहां पर ये जो भी, जैसा मैंने शुरू में ही स्थापना में ही कहा कि संभावित विभाजन गुणों के जो हो सकते हैं वह हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। जब मैं संभावित शब्द कहता हूं तो इसका अर्थ यह भी है कि अन्य भी संभावनाएं आ सकती है हमारे और आपके उपयोग की दृष्टि से। हम इनका अन्य प्रकार से भी विभाजन और विश्लेषण कर सकते हैं, बल्कि हम इसको यह भी कह सकते हैं कि इन गुणों में से अन्य दर्शन जो है वो किन किन गुणों को स्वीकार करता है, किन किन गुणों को स्वीकार नहीं करता, उस दृष्टि से भी एक वर्गीकरण हो सकता है। किसी अन्य जो अगर हम संबंध स्थापित करें विज्ञान से, तो विज्ञान और दर्शन के गुणों में जो जहां जहां जो गुण समान है उनको भी हम क्लासिफिकेशन करके कि ये जो है ये विज्ञान के नजदीक गुण है और ये जो गुण है ये विज्ञान के परे गुण है। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, इसीलिए यह इदमित्थम नहीं है वर्गीकरण। लेकिन मित्रों गुण शब्द को लेकर के हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुनः हम चर्चा करेंगे कि हमारे यहां गुणों की कई प्रकार से चर्चा आती है, कई प्रकार से विश्लेषण होता है, कई प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है। जैसे साहित्य में जब गुण की अवधारणा आप पढ़ेंगे तो हम आप बखूबी जानते हैं कि 10 प्रकार के गुण हैं और यह वामन ने जो 10 गुण का सिद्धांत है उनको हमारे सामने प्रवर्तित किया है। अगर आप सांख्य दर्शन में जाते हैं तो सांख्य दर्शन में स्पष्ट रूप से अलग प्रकार से तीन गुणों की चर्चा है, जो सत्व है, रजस है और तमस नामक ये तीन गुण हैं। इसी तरह से व्याकरण में जाएंगे, आपने अधेंग गुण आद गुण पढ़ा होगा तो वहां पर अ ए ओ जो है उनको गुण कहा जाता। तो हमें जहां पर जिस की आवश्यकता होती है वहां उस जगह पे उस तत्व को हम ग्रहण करते हैं, हम वैशेषिक के गुण देखते हैं, हम वैशेषिक के गुण का विश्लेषण कर रहे हैं और तदनुसार हम इन गुणों की चर्चा, इन गुणों का जो सम्यक विश्लेषण है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है या अन्य जितने भी गुण हैं वो क्या है, उनके स्वरूप से उदाहरण जानेंगे। मित्रों जैसे ही हम रूप कहते हैं तो रूप कहने मात्र से चक्षुरिंद्रिय का बोध होता है, तो इसीलिए लक्षण क्या बन जाता है, चक्षुर मात्र ग्राह्यो रूपम, जो चक्षुर मात्र ग्राह्यम रूपम अर्थात आंख मात्र से जो ग्रहण किया जाए वह रूप है। अर्थात कोई वस्तु मोटा है, कोई वस्तु पतला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है,
हम इसे केवल और केवल चक्षुरिंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं। तो दूसरे प्रकार से यही अर्थ बना कि जो केवल और केवल चक्षु से ग्राह्य हो वही रूप है। इसी प्रकार रस देख लें, अगर हमने एक रूप का लक्षण आपके सामने प्रस्तुत किया तो रस का भी लक्षण उसी प्रकार प्रस्तुत हो जाएगा। रसना मात्र ग्राह्यम, रसना इंद्रिय जिसे हम रसनेन्द्रिय कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जिह्वा कह जाते हैं, जीभ कह जाते हैं, जिसकी हमने व्याख्या की है कि पूरा जीभ नहीं, जीभ के आगे रसनाग्र मात्र वर्ती है, आगे करेंगे। तो ये वहां पर भी है रसना मात्र ग्राह्य, गंध है, स्पर्श है, संख्या परिमाण, तो इन सब का हम विश्लेषण करेंगे। और जब 16वें गुण पर आएंगे, बुद्धि पर, तो उसके बाद एक नया डिस्कोर्स प्रारंभ होगा, एक नई चर्चा प्रारंभ होगी। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि वैशेषिक और न्याय जो है इसे समान तंत्र कहा जाता है, और ये जो समान तंत्रात्मकता जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, हम उनका विश्लेषण करेंगे और बुद्धि के क्रम में जानेंगे कि बुद्धि के विश्लेषण के ही आधार पर न्याय और वैशेषिक जो है या तो उसमें भेद है या इनमें साम्य है, या देखेंगे। अर्थात जब बुद्धि का विश्लेषण करेंगे तो बुद्धि के जो भेदों पर भेद के बाद जो सामग्री निकल कर आएगी उसका एक पक्ष जो है वो पूरा का पूरा न्याय शास्त्र बन जाता है, जो न्याय प्रमाण मीमांसा की बात करता है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द के आधार पर इन सारे जो सृष्टि के जो नियामक सृष्टि तत्व है उनको प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो मित्रों, ये इस प्रकार 24 गुण हैं। हम अपने अगले व्याख्यान में इन 24 गुणों की चर्चा आपके सामने समुपस्थित करेंगे, इस उदाहरण करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये गुण चूंकि छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में इसकी व्याख्या होगी, तो हार्डली 2 या 3 में हम इस गुण का विश्लेषण कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। आपने इसे सुना है, आपके मन में कई प्रकार की जिज्ञासा आई होंगी, क्योंकि जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो हमारे पास एक एक्सोजेनेटिक नॉलेज होता है, एक बाह्य प्रेरित जो ज्ञान होता है वो ज्ञान काम करता है, और वह ज्ञान हमें दर्शन के विषयों को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जब हमने अभी आपके सामने विश्लेषण किया होगा तो उस विश्लेषण के क्रम में स्वाभाविक रूप से आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। उन प्रश्नों को भेजें, मैं अपनी अगली जो व्याख्या है उन प्रश्न के उत्तर के साथ प्रारंभ करूंगा। आप लोगों ने मेरे इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।